हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अमेजिंग रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके प्रयोग से आपके चेहरे पर गजब का निखार, गोरापन और फेयरनेस आएगा। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही खास और इफेक्टिव है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरा एक निवेदन, यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी आपके लिए कोई ऐसा इफेक्टिव रेमेडी लाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे कि ठंड के मौसम में भी आपकी त्वचा नर्म, मुलायम और गोरी, चिकनी तथा चमकदार रहेगी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। इसमें आप एक क्लीन बाउल लेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है हल्दी, यानी टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स, टर्मरिक पाउडर में जो होता है एंटी फंगल गुण पाया जाता है और अनेक प्रकार के औषधीय गुण होते हैं जो आपके स्किन से डेड सेल्स को निकालने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इस हल्दी का प्रयोग सदियों से होता आया है अपने स्किन को गोरा करने के लिए। फ्रेंड्स, इसकी मात्रा आपको इसमें मात्र एक चुटकी रखनी है। इसके अतिरिक्त आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो लेना है वह है बेसन। फ्रेंड्स, बेसन आप लेंगे इसमें एक चम्मच। ये बेसन अगर आप चने का रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अतिरिक्त आपको एक चीज लेना है, वह है चंदन पाउडर। ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये चंदन पाउडर ऑरेंज कलर का होता है, जो वो वाला इसमें आपको यूज करना है, न कि जो काले या अन्य कलर का जो चंदन पाउडर होता है उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ये इसमें ऑरेंज कलर का जो चंदन पाउडर रहेगा उसकी आपको जरूरत है। और इस चंदन पाउडर को आप एक चम्मच लेंगे। फ्रेंड्स, ये चंदन और हल्दी हमेशा ही आपके त्वचा को निखारने का काम करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा से होता आया है। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त आपको इसमें लेना होगा गर्म दूध। गर्म दूध आप लेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसका आपको प्रयोग करना है। पहले इसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा होने के बाद इसका प्रयोग आपको करना रहेगा। तो दूध की मात्रा आपको इसमें ज़्यादा नहीं, दो चम्मच रखनी होगी। फ्रेंड्स, दूध में ऐसे ऐसे प्रोटीन, ऐसे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो आपके त्वचा में निखार लाने का काम करते हैं, और ठंडी में जो आपकी त्वचा खुश्क हो जाती है उसे मुलायम बनाए रखने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, अब इन सभी चीजों को आप आपस में भली भांत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से कम इसे 2 मिनट तक ऐसे मिलाएंगे ताकि ये सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसका प्रयोग कैसे करना है और कब करना है, आइए हम आपको बता दें। फ्रेंड्स, जब आप नहाने जाएंगे उसके 1 घंटे पहले इस फेशियल का आपको प्रयोग करना है। इसे फिंगर के माध्यम से लेंगे और अपने पूरे चेहरे पर ऐसे हल्के हाथों से आप लगा करके हल्के हाथों से मसाज करेंगे, क्योंकि मसाज करने से जो होता है आपके जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सुचारू रूप से संचारित होता है और आपके चेहरे पर एक नेचुरल निखार आता है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप 2 मिनट मसाज करेंगे, उसके बाद इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 20 मिनट के उपरांत आप इसे नॉर्मल वाटर से धो करके साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, आप हमेशा शुद्ध भोजन और सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें तथा शुद्ध पानी ही पिएं। फ्रेंड्स, और अपने भोजन के साथ आप सलाद का भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि जब सलाद का भरपूर आप प्रयोग करेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, और जब डाइजेशन ठीक होगा तो आपके चेहरे पर चमक आएगी। फ्रेंड्स, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चांद की तरह चमकते रहें, इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।